गदी को बक्सा का डायरेक्टर, गदी को बक्सा नागिंदर और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब किस सिनेमा घरों में आशी। चाबी थी ना वो नकली थी और ये असली चाबी थी। तो बहजी बोली कि नकली चाबी हमते दे दिया और असली चाबी तुम ले लिया। पर बोल तुम इधर कुछ बताओ ही नहीं चीज। अरे कन बात कर लगे दीदी आप, हमन तुम तो झूठ बोले क्या बताओ तुम। और जयजिन तू यू भी बोली कि मेरी बात ना कह मानी बताओ कि लेगी दीवारों पे कंदड़ो ना। खैर वन तो तुम खुद ही समझदार छो। और देखो चाचा जी, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे दी वगत 3-4 दिन में पूर्ण हुआ। इन काम करें वॉल्सवेर पंचायत में वे बक्सा खोली करना हमारे बंटवार करे दिया। तो बहर को मन किया कि अभी तो यू घर को बारिश बताओ चाह और तीन कुछ भी नहीं करी। शिवा परसी चमन चाचा बक्सा ते जरा हाथ। अरे यू यू ये चमन तो क्या छेड़ो ना, आप कोई साफ साफ बोल दी। कैसी लगी फिल्म? बहुत सुंदर, बड़ी मेहनत करी सब लोग, सभी कलाकारों ने अपना 100% दिया, अच्छी लगी। और टीम को मैं बधाई देता हूँ और आगे भी इस तरह की फिल्म बननी चाहिए ताकि हमारे लोग इससे जुड़े रहें। और लोगों से निवेदन करता हूँ कि परिवार सहित इस फिल्म को देखना है ताकि आगे और भी काम इस इंडस्ट्री में होता रहे, हमारे नए नए जो कलाकार हैं उनको मौका मिलता है। बहुत अच्छी फिल्म। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है और जितने लोग अभी तक फिल्म नहीं देख पाए वो भी कृपया करके इस फिल्म को देखने आए। हमारे घर वाले लोग उत्तराखंड के जितने भी लोग इस फिल्म को नहीं देख पाए, दादी का बक्सा तो थोड़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट फिल्म बनी है तो बहुत अच्छा फिल्म लगा। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत सुंदर, सुपर, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आजकल की हकीकत है एक दूसरा, हमारी जो लोक संस्कृति खो गई थी वो वापस लास्ट में दिखाई गई। हमारे साथ सूरज चढ़ाता जिन्होंने हमारी फिल्म में भी गाना गाया और ये अपनी मम्मी को लेके आए हैं आज। आप क्या कहेंगे आंटी जी, कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। मम्मी नहीं नहीं दादी बनी है तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई। दादी का दादी होने का बड़ा रोना। और ये बच्चे आए हैं हमारे साथ, छोटे छोटे बेटा, कैसा लगा आपको? ये हमारी फिल्म की हीरोइन प्राची और प्राची कि आज मम्मी भी आई हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी लगी हमें फिल्म, बहुत अच्छी लगी। अब सारे कलाकार बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, देखने के लिए तरस रहे थे, बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग ना अपने उधर भी बोली, आप सीधे आते हैं ना सब? बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया। अपने मोहल्ले से बोलेगा आपको कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और देखें, अच्छी फिल्म को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत अच्छी इसके बच्चे को भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मूवी कैसे लगी बता, मूवी कैसी थी बताना? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी थी। तो आपने कई फिल्में करी हैं तो इस फिल्म को करके आपका क्या अनुभव रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म के निर्देशक जो हैं भाई विजय भारती जी,
वो काफ़ी समय से इस लाइन में कार्यरत हैं और काफ़ी अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये बीड़ा उठाया है दादी को बख्शा फिल्म का। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छा काम हुआ है, डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है और आर्टिस्टों का जिस तरह से चयन हुआ है इस फिल्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त, सभी को जो जो भूमिका दी उन्होंने अपनी भूमिका के साथ में बहुत अच्छा न्याय करने की पूरी कोशिश की है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज छठा दिन है, पब्लिक का प्यार भरपूर मिल रहा है फिल्म को, दादी का बख्शा को, तो जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं इस फिल्म को वो ज़रूर इस फिल्म को देखें और अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रगणों को, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें और इसका भरपूर मनोरंजन का लाभ उठाएँ। तो दोस्तों मूवी के बाद हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर प्रीतम वर्तमान जी के घर, एक एक कप कॉफ़ी होगी और होगी फिल्म की समीक्षा और चर्चा। देखो पापा हम कहाँ हैं? पापा तुम वहाँ से जल्दी निकलो, तुम्हें दिल्ली पहुँचना है, वहाँ से फ्लाइट मिलती है। कहाँ? मेरा कमाल है मुझे।